नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला पे। है क्या ना, जो लोग डिप्लोमा करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो उनको बहुत सारी जगह पे जो नई नई वैकेंसी आती है उनके बारे में पता नहीं चल पाता। इसलिए मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी लेके आया हूं जिसको आप ढंग से अगर तैयारी करोगे तो आपका डेफिनेटली इस ब्रांच में या इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। ये वैकेंसी है IOCL की। तो अभी जस्ट हाल में ही IOCL अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है और मैं स्पेशली मैकेनिकल ब्रांच को डील करता हूँ, इसलिए मैं स्पेशली मैकेनिकल ब्रांच के बारे में बताता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो मैकेनिकल ब्रांच की IOCL में जो वैकेंसी आई है, मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ कितनी आई है, कहाँ से आई है, उसका पूरा क्राइटेरिया क्या है। साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, ये वैकेंसी सिर्फ डिप्लोमा के लिए है ना, फॉर अप्रेंटिस, ठीक। तो जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, लाइट हमारा PSU एग्जाम्स जैसे कि सेल हो गया, जैसे कि IOCL हो गया और SSC JEE हो गया, DRDO हो गया, NTPC हो गया, तो उन सब के लिए एक बहुत स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये ऑफर है आपके मैकेनिकल JEE का कंप्लीट सिलेबस, है ना। तो मैकेनिकल JEE का कंप्लीट सिलेबस, और ध्यान रखिएगा, ये जो मैकेनिकल JEE का कंप्लीट सिलेबस होगा ये बहुत सारे एग्जामों को कवर करेगा, जैसे कि तुम्हारा SSC JEE हो गया, SSC JEE के साथ DRDO हो गया, DRDO के साथ NTPC हो गया, NTPC के साथ RRVJEE, जितने भी डिफरेंट स्ट्रीम में आपके मैकेनिकल के फॉर्म आते हैं। मेन बात मुद्दे की क्या है, मुद्दे की बात यह है कि जिसमें आपको कंप्लीट मैकेनिकल का कोर्स मिलेगा, चाहे वो थ्योरी ऑफ मशीन हो, चाहे मॉस हो मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, फ्लूड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, कंप्लीट कोर्स। और इस कोर्स का जो वैसे दाम था वो तो था 3,999 रुपये, लेकिन अभी रिसेंटली में 50% ऑफ चल रहा है। तो जिन बच्चों ने इसको अभी इनरोल नहीं किया, जल्दी से जाके इनरोल कर दो। इसमें मैं आपको बता दूं, अप्रॉक्स 600 प्लस घंटे, बहुत ज़्यादा होते भैया 600 प्लस घंटे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो अभी 50% ऑफ है, मतलब 3,999 का कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको 2,000 में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाकर इसको एक बार ले लीजिए। अब मैं बात करता हूँ वैकेंसी की, IOCL की मेन अप्रेंटिस की जो वैकेंसी आई है वो कैसे आप लोग चेक करोगे और कैसे आप लोग उसको देखोगे, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने गूगल पे फ्री जॉब अलर्ट की साइट पे जाना है। तो जैसे ही आप फ्री जॉब अलर्ट की साइट पे जाओगे तो ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा IOCL अप्रेंटिस ऑनलाइन, है ना। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे IOCL अप्रेंटिस ऑनलाइन, तो इस तरीके से देखिए पूरा फॉर्म खुल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारी बातें, है ना। इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट थी वो स्टार्टिंग डेट थी आपकी, इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट थी आपका 22/10/2021। ये 22/10/2021 इसकी स्टार्टिंग डेट थी, मतलब 22 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 12/11/2021, मतलब 12 नवंबर शाम के कह सकते हो 5 बजे तक, है ना। तो 12 नवंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और बात अगर रिटर्न एग्जाम की करें तो ये रिटर्न एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 21 नवंबर को हो जाएगा, है ना। लेकिन ये टेंटेटिव एग्जाम डेट है, 21 नवंबर को इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम डेट दे दी है, इसके बाद भी जा सकता है। तो अप्रॉक्स आपके पास ये मान के चलो मोटा मोटा कि 20 से 25 दिन है इस पूरे को तैयार करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और बातें देख लेते हैं, ये मैकेनिकल की वैकेंसी टोटल कितनी है। तो मैकेनिकल की जो अप्रेंटिस आई है, वैसे ढेर सारे अप्रेंटिस की वैकेंसी है यहाँ पर, है ना। मैं एक एक करके बता दूँ, जो ट्रेड अप्रेंटिस ऑपरेटर करती है वो 488 है, ये इसकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है ना। उसके साथ साथ मैं मैकेनिकल की डायरेक्ट बात करता हूँ, मैकेनिकल में मैं आपको बता दूँ, मैकेनिकल में ये जो मेन वैकेंसी आई है वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस की है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस किया, और ये वैकेंसी देखिए मैकेनिकल की है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, टोटल 236 पोस्ट है ना। और ये 236 पोस्ट देखिए डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, है ना। तो आप लोग ये 236 पोस्ट के लिए अगर अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हो तो इनमें से एक पोस्ट जरूर आपकी होगी, है ना। तो आप लोग यहाँ फॉर्म जरूर डालिए, क्योंकि 236 पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है, मैकेनिकल में नॉर्मली इतनी पोस्ट आती नहीं है, लेकिन 236 पोस्ट को अगर ढंग से देखा जाए तो आपका इनमें से श्योर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आप डाल लीजिए, साथ साथ मैंने जो आपको मैकेनिकल JEE के कोर्स के बारे में बताया है उसको जरूर आप लोग एक बार जाके विजिट जरूर कीजिएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो आपका कोर्स होने वाला है ये कंप्लीट आपका 600 प्लस घंटे है, तो 600 प्लस घंटे है, इसलिए आप इसको जाकर एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? तो चलो फिर आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और सब लोग इस फॉर्म को डाल लीजिए, लेकिन मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन लोग इस IOCL अप्रेंटिस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, ताकि मैं अपनी तरफ से उनके लिए बेस्ट क्लास भी प्रोवाइड कर सकूं, ठीक। थैंक यू।